चली खबरों का रुख करेंगे। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि, दिल्ली में राजघाट से सीधी तस्वीरें। पीएम मोदी ने बापू को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पचक्र अर्पित कर बापू को याद किया है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 आज से 76 साल पहले शाम की प्रार्थना के बाद नाथूराम गौडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। जिस तरह से सत्याग्रह आंदोलन हो या फिर दांडी यात्रा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट, जो कि बापू की याद में इसका निर्माण किया गया है, और आज उनकी 76वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया जा रहा है। जीवन में सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करते रहे। और देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं राजघाट। लगातार राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला। तो वहीं एक तस्वीर सचिवालय से आप देख पा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन उन्हें किया। राम धुनी इस दौरान सुनाई। बापू के अंतिम शब्द भी हे राम ही थे। ऐसे में अब ये देखिए, दो तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली के राजघाट से है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पुष्प चढ़ाए हैं और हाथ जोड़ करके नमन किया है बापू। बापू की स्मृति में रामधुनी आयोजित की जा रही है। बापू को नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच चुके हैं राजघाट, और दिन भर आज बापू को नमन करने का सिलसिला यूं ही चलेगा। लेकिन हम चूंकि बात कर रहे थे अहिंसा के मार्ग पर चलने की, बात बापू ने कही, हिंसा त्याग कर अहिंसा, चाहे जीवन में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन हमें अपना मार्ग तय रखना है। हिंसा छोड़ अहिंसा के पथ पर चलने की सीख बापू ने दी। और जब स्वतंत्रता की बात आती है तो फिर स्वतंत्रता के लिए भी बापू ने वही मार्ग अपनाया। अपने जीवन के मूल्यों को कभी नहीं बदला। अंग्रेजों से चाहे सामना करना हो, उनके कानूनों का, उनकी नीतियों का विरोध करना हो, लेकिन यह तय था बापू के द्वारा कि ये होगा तो बस अहिंसा के मार्ग पर चल। सचिवालय से तस्वीरें हैं राजघाट, दिल्ली से दूसरी तस्वीर, और पहली तस्वीर जयपुर के सचिवालय से। और पूरे ही देश भर में आज बापू को याद किया जा रहा है। राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे राजघाट, उन्होंने बापू को नमन किया था। और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे सचिवालय। चूंकि आज देखिए महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, ऐसे में आज के दिन को शहीद दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रखा गया है शहीद दिवस पर। रामधुनी और बापू के प्रिय भजनों का गायन चल रहा है। जो भजन बापू को प्रिय थे, रामधुनी, और 2 मिनट का मौन रखकर बापू को नमन किया गया है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ सरकारी ही नहीं, बल्कि चूंकि आज का दिन हर एक भारतीय के लिए बापू को याद करने का, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जहन में रखकर, तो ऐसे में स्कूल और कॉलेज के अंदर भी 2 मिनट का मौन रखकर बापू को नमन किया जाता है। शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे हैं, महात्मा गांधी को अर्पित की है उन्होंने श्रद्धांजलि। हरे राम हरे कृष्ण भजन लगातार जो कि मंत्रमुग्ध कर रहे हैं वहां मौजूद लोगों को। बापू चूंकि याद किए जाते हैं, और जो उनकी कोशिश रही देश को
ब्रिटिश शासन से निकालकर भारत को स्वतंत्र करने की। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची हैं, बापू को नमन कर रही हैं, पुष्प चक्र अर्पित किया है उन्होंने, हाथ जोड़कर बापू को नमन कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा प्रमुख नेता भी पहुंचे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं वहां, और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, बापू को याद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता है देश में या फिर कोई विशिष्ट अतिथि विदेशों से आता है भारत में, तो फिर ये कोशिश रहती है कि उसे राजघाट, बापू की समाधि स्थल भी ले जाया जाता है, बापू को नमन किया जाता है, फिर उसके बाद ही आगे के कार्यक्रम तय किए जाते हैं। यानी कि इससे साफ होता है कि बापू का हमारे जीवन में कितना महत्व है और कितना महत्व होना चाहिए। स्वतंत्रता दिलाने की जब कोशिश हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी, तो ऐसे में एक बड़ा योगदान देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का भी रहा था। विभिन्न आंदोलनों को मजबूती प्रदान करने की बात में बापू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, नेतृत्व किया आंदोलनों का, चाहे दांडी यात्रा निकालने का लक्ष्य हो या फिर जब बात होती है स्वदेशी अपनाओ विदेशी त्यागो, यानी कि भारतीय उत्पादों को अधिक महत्व देने की बात होती है, ये भी बापू ने बुलंद की थी आवाज। बापू ने भी यही कोशिश की थी देश में कि हम भारत के उद्योगों को, भारत के हस्तशिल्प को, भारत के कुटीर उद्योगों को प्रमुखता दें और बहिष्कार किया जाए, क्योंकि उस दौरान अंग्रेजों का शासन देश में था, और जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो फिर अतुलनीय योगदान देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और ऐसे में उन्हें सदैव याद किया जाता रहा है और आने वाली पीढ़ियां भी बापू को याद करती रहेंगी इसी रूप में। दिल्ली के राजघाट से ये तस्वीरें हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़, तो वहीं प्रदेश में पहुंचे थे मुख्यमंत्री।